हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 7 साल 1 महीने 6 दिन बाद निर्भया के गुनहगारों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। बड़ी खबर, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज डेथ वारंट जारी करते हुए 22 जनवरी की तारीख तय कर दी है। सबसे पहले इस पूरे मामले से जुड़ी हुई बड़ी बातें हम आपको बता देते हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने डेथ वारंट जारी किया, समय और तारीख मुकर्रर कर दी गई है। 22 जनवरी सुबह 7 बजे चारों गुनहगारों को फांसी दी जाएगी। दोषियों के वकील ने कहा क्यूरेटिव पिटीशन देंगे। दो ऑप्शंस बचे हुए हैं, क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका। तिहाड़ में चारों गुनहगारों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। 3 गुनहगार एक सेल में है, एक अकेले सेल में है। चारों को फांसी घर में ले जाने की तैयारियां चल रही हैं। तिहाड़ जेल की टीम ने फांसी घर का दौरा किया है। जो डीजी तिहाड़ है वो दौरा करेंगे। चारों दोषियों का मेडिकल कराया गया, चारों का मेडिकल सामान्य है। निर्भया की मां ने कहा बेटी को इंसाफ मिला। माता पिता ने कोर्ट को धन्यवाद भी कहा। तिहाड़ में चारों को एक साथ फांसी पर लटकाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 16 दिसंबर 2012 को गैंगरेप के बाद निर्भया की निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई थी। तो आज एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला पटियाला हाउस कोर्ट का आ चुका है। 7 साल के जख्म 15 दिन बाद भरेंगे। जी हां, साल 2012 में निर्भया के साथ जो हुआ वो जख्म अब तक जिंदा है। अब उम्मीद कीजिए कि 15 दिन बाद 22 जनवरी को सुबह 7 बजे वो जख्म भर जाएंगे। आज जब बात गुनहगारों को फांसी के फंदे तक ले जाने की हो रही है तो उस दिन की याद ताजा हो जाती है जब इन लोगों ने निर्भया के साथ हैवानियत की थी। 16 दिसंबर की उस मनहूस तारीख को क्या हुआ था जिसके जख्म 7 साल से जिंदा हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जख्म तीखे लगे, रूह चिल्ला पड़ी, दर्द उनको हुआ, घाव हमको लगे। दरिंदगी की इंतहा थी, दर्द भी सिसक रहा था, जख्मों से भरी थी सांसें और जिंदगी के साथ घुमड़ रहा था मौत का साया। लेकिन वो जीना चाहती थी, अपनी टूटती सांसों को सहेज वो लड़ना चाहती थी, अपनों के लिए वो जीना चाहती थी। संघर्ष लंबा था, जख्म गहरा था और फिर पूरे 13 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद जिंदगी हार गई। एक प्यारी सी मासूम सी लड़की नहीं रही, खामोशी अब भी रो रही है, चुप्पी दर्द का हिसाब मांग रही है, क्योंकि जो जख्म दिल पर लगे हैं वो जिंदा है। वो जख्म जिंदा है। बिन बोले रहा न जाए, बिन बोले रहा न जाए, बाबू जी अमरा लगनाए। सोलह दिसंबर 2012 की रात करीब 9:15 बजे दिल्ली के मुनीरका बस स्टॉप पर वो लड़की अपने साथी के इंतजार में थी। दोनों दिल्ली के साकेत इलाके से फिल्म देखकर ऑटो से मुनीरका पहुंचे थे। लड़की को पालम जाना था और उसका दोस्त घर छोड़ने साथ आया था। चूंकि रविवार छुट्टी का दिन था इसलिए सड़क पर सवारी बसों की आवाजाही रोज से कम थी।
पहले की लड़की और उसके दोस्त को कोई सवारी मिलती उन्हें सामने से आती दिखाई दी एक सफेद रंग की चार्टर्ड बस। मुनीर का पहुंची उस बस में बैठे लोगों ने स्टॉप पर खड़ी लड़की और उसके दोस्त को बस में बैठा लिया और अगले ही पल वो बस मुनीरका से आगे बढ़ गई। ऑफ ड्यूटी आवर्स में राम सिंह ड्राइवर उस बस पर अपने दोस्तों के साथ जॉयराइड पर निकला। ये कपल उसमें चढ़ गए ये सोचकर कि शायद ये पब्लिक कैरेज वे है। लड़की और उसका दोस्त बस में सवार तो हो गए लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बस में जो 6 लोग मौजूद हैं वो यात्री नहीं बल्कि शराब के नशे में धुत एक ही गैंग के लोग हैं या सभी आपस में एक दूसरे को जानते हैं। रात करीब 9:15 बजे जब बस मुनीरका से आगे बढ़ी तो उन लोगों ने लड़की पर भद्दी पंक्तियां कसी और जब लड़की और उसके दोस्त ने इसका विरोध किया तो बस के अंदर बैठे सभी शैतान लड़की और लड़के पर टूट पड़े। करीब 90 मिनट तक शैतानों से घिरी लड़की चीखती चिल्लाती रही और उसके साथ गैंग रेप होता रहा। इस दौरान लड़की को बचाने में लगे उसके दोस्त की बेरहमी से पिटाई की गई। बस में रॉड से उस पर हमला किया गया। सिर्फ यही नहीं लड़की को भी बुरी तरह से पीटा गया और बलात्कार के दौरान उसे ब्लेड से गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। दिल दहला देने वाली बात ये है कि ये वो बस थी जिस पर स्कूली बच्चों को लाने ले जाने की जिम्मेदारी थी। राम सिंह नाम का ये वो ड्राइवर था जिस पर बच्चों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी थी लेकिन उस रात राम सिंह समेत बस में सवार सभी लोग शैतान बन चुके थे। उन्होंने लड़की और लड़की के दोस्त को बुरी तरह मारा। इतनी बुरी तरह पिटाई की गई लोहे की रॉड से कि लड़की के पेट से आते बाहर आ गए। 90 मिनट में वो चार्टर्ड बस मुनीरका से निकलकर वसंत विहार पहुंची और वसंत विहार से होते हुए महिपालपुर की तरफ आगे बढ़ गई। इस 90 मिनट में बस में बैठे दरिंदे लड़की के साथ बलात्कार करते रहे और लड़के के साथ मारपीट करते रहे। बाहर चल रहे लोगों को इस दरिंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला क्योंकि बस पर काली फिल्म के साथ पर्दे चढ़े हुए थे। रात 10:05 पर महिपालपुर के एक होटल में लगे सीसीटीवी कैमरा में बस की तस्वीर कैद हो गई। रात करीब 11:15 बस महिपालपुर के एक सूने इलाके में पहुंच चुकी थी। बस में मौजूद दरिंदों की हैवानियत अब तक रुकी नहीं थी। उन्होंने लड़की और उसके दोस्त के बदन के कपड़े तक उतार दिए और चलती बस से जख्मी हालत में बाहर फेंक दिया। इन लोगों को साउथ और साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर उनको डंप कर दिया गया था। आगे वाले गेट से उनको बाहर गिरा दिया गया। तड़पती लड़की और उसका दोस्त महिपालपुर में सड़क के किनारे पड़े थे। ठीक उसी वक्त हाईवे अथॉरिटी में काम करने वाले एक मैनेजर ने उन्हें देखा और उन्होंने ही करीबन 11:00 बजे 100 नंबर पर PCR को फोन करके मदद के लिए बुला। रात करीब 12:00 बजे बलात्कार की शिकार लड़की और उसके दोस्त को जख्मी हालत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया। लड़की की हालत इतनी नाजुक थी कि उसे ICU में रखा गया। सफदरजंग अस्पताल में पड़ी लड़की के इलाज के लिए डॉक्टरों की एक टीम जुट गई। इलाज शुरू हुआ तो डॉक्टरों ने बताया कि उसकी छोटी आंत में गहरा जख्म है, इसके चलते उसकी जान को खतरा भी हो सकता था। ऐसे में डॉक्टरों ने ऑपरेशन के जरिए उसके शरीर से छोटी आंत को निकाल दिया। डॉक्टरों ने लड़की को खतरे से बाहर रखने के लिए 5-5 ऑपरेशन तक किए लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इन्फेक्शन का खतरा लगातार बना रहा। सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों की टीम लगातार लड़की की सेहत पर निगरानी रख रही थी और इस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब खबर मिली कि लड़की को होश आ गया। काफी अलर्ट है, कल के मुकाबले में काफी एक्टिव है और वो बात कर पा रही है, कम्युनिकेट कर पा रही है। उन्हें पानी चाहिए तो पानी मांग पा रही है और उनकी ऑक्सीजन जो कल तक ज्यादा चल रही थी आज हमने ऑक्सीजन भी उनकी कम कर दी है। बीच में ये खबर भी सामने आई कि उस लड़की ने कागज पर लिखकर कहा कि मैं जीना चाहती हूँ।
उसने ये भी जानना चाहा कि उस पर ये जुर्म करने वाले लोग अब तक पकड़े गए हैं नहीं। उसका ये जज्बा देखकर सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर्स भी दंग रह गए। मानसिक तौर पर अभी वो पूरी तरह से मतलब संभली हुई है, किसी भी तरह की कोई निराशा उसके चेहरे पर अभी नहीं है, मतलब कोई निराशात्मक सोच कोई ऐसा भाव अभी हमें नजर नहीं आया है और अपने आगे के भविष्य के लिए भी पूरी तरह से अशांतित है। 19 दिसंबर को अस्पताल से अचानक खबर आई कि लड़की की सेहत में लगातार उतार चढ़ाव आता रहा, फिर भी वो सांसों के लिए लड़ती रही। लेकिन 26 दिसंबर 2012 की देर रात अचानक ये खबर सामने आई कि लड़की को बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल ले जाया जा रहा है। With the fortitude and courage, she has survived the after effects of the injuries so far, but her condition continues to be critical. Based on the advice of team of doctors, the government of India has made arrangements that the patient be shifted in a well-equipped air ambulance to a renowned hospital identified by the doctors involving minimum journey so that she can be provided state-of-art medical treatment that may perhaps stretch to many weeks. Accordingly, it has been decided that the patient be shifted abroad for further treatment at Mount Elizabeth Hospital, Singapore. As advised by the team of doctors. डॉक्टरों की निगरानी में लड़की को सिंगापुर एयर एम्बुलेंस के जरिए ले जाया गया, जहां 27 दिसंबर की सुबह उसे सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल के आईसीयू में दाखिल किया गया। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए मशहूर इस अस्पताल से ये उम्मीद थी कि वो लड़की को बचाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वहां भी धीरे धीरे लड़की की हालत बिगड़ती चली गई। 28 दिसंबर की रात डॉक्टरों को ये संकेत मिल रहे थे कि लड़की के कई अंग काम नहीं कर रहे हैं और फिर भारतीय समय के अनुसार रात करीबन 2:15 बजे उसकी मौत की खबर आई। Unsuccessful in saving the life of the patient who was airlifted here. As you're aware, a great deal of effort was put in both in India as also in Singapore to give her the best possible medical treatment and to save her life. But in the end, she succumbed to her injuries because the scale of those injuries was very great. The family, of course, is shattered by this development. At the same time, they realize that the best possible medical attention was provided to her. And in the end, it was the scale of her injuries which proved too much for the medical treatment which was provided to her to overcome.